Dear students, I welcome you on my YouTube channel, Education Highway. Today I am going to teach you The Education of Nature written by William Wordsworth. This poem is prescribed for 11th class UP board. 3 years she grew in the sun and shower. Lucy passes 3 years of her life in the sun and shower. First 3 years of her life in the sun and shower. Poet says here, Lucy अपने जीवन के प्रथम 3 साल sun and shower में बिताती है. Means in the open space of nature, in the beauty of nature. Then nature said a lovelier flower. After that, nature said about Lucy. Lucy is an imaginative girl, imaginative child. प्रकृति उसके बारे में कहती है कि यह पृथ्वी का एक सबसे सुंदर फूल है, a lovelier flower है. क्यों सबसे सुंदर है? On earth was never shown, because such type of beautiful girl was not seen by anybody before it. इस प्रकार की सुंदर लड़की पृथ्वी पर कभी देखी नहीं गई. This child I to myself will take. Nature कहती है कि इस child को मैं स्वयं तैयार करूँगी. I will teach her myself. Nature said this. She shall be mine. Lucy will be to the nature. She shall be mine means Lucy प्रकृति की होगी. प्रकृति कहती है Lucy मेरी होगी. I will make. और मैं उसमें तैयार करूँगी. तैयार क्या करूँगी? A lady of my own. लूसी जो है वो एक लेडी हो जाएगी और वह लेडी प्रकृति की लेडी होगी. प्रकृति से बिलोंग करेगी. नेक्स्ट में माई सेल्फ बिल टू माई डार्लिंग बी. लूसी विल बी सो डियर फॉर मी, सो नियर फॉर मी, सो प्रिय होगी उसके लिए. प्रकृति के लिए लूसी सबसे अच्छी होगी, प्रकृति की सबसे डार्लिंग होगी. बोथ लॉ एंड इम्पल्स. प्रकृति उसमें सारे कानून कायदे विकसित करेगी. मीन्स नेचर विल टीच हर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑफ लाइफ, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग ऑफ लाइफ दैट इज नेसेसरी इन द लाइफ. एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन. लूसी विल विथ नेचर इन माउंटेन, ऑन माउंटेन, इन रॉक एंड इन प्लेन मैदान. लूसी जो है प्रकृति के साथ होगी, माउंटेन पर होगी, प्लेन मैदान में होगी, हर जगह होगी. शैल फील एन ओवरसीइंग पावर इन द अर्थ एंड हैवन इन ग्लेड एंड बावर. लूसी अर्थ पे भी हैवन की तरह, हैवन में भी वो प्रसन्न रहेगी. मतलब लूसी हर जगह प्रसन्न रहेगी, हर जगह खुश रहेगी, हर जगह वो प्रकृति को अपने साथ फील करेगी, महसूस करेगी. ग्लेड एंड बावर. सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर. लूसी विल फील नेचुरल पावर, ओवरसीइंग पावर, सुपर पावर, बिकॉज नेचर कंट्रोल्स एवरीथिंग इन लूसी. टू कैंडल ऑल रेस्ट्रेंट. सी विल बी ऑल टाइप्स ऑफ गुड पर्सन. She will be kindle person, restrained person, and kindle or restrained means nature will inspire her, nature will check her all types of development. In the bower means kunj, and in the plain means maidan, maidan mein. She shall be sportive as fun. Nature clears here that Lucy will be as sportive, as active as a fawn. Fawn means हिरन का बच्चा. Lucy sportive होगी, active होगी, smart होगी, जैसे हिरन का बच्चा फुर्तीला होता है, smart होता है. That wild with glee across the lawn. Lucy will be glee means happy होगी. Across the lawn means all over in the forest. सब जगह पूरे मैदान में वो प्रसन्न होगी, खुश होगी, और उसी तरह से वाइल्ड होगी जैसे कि हिरन का बच्चा होता है. वाइल्ड होता है, फुर्तीला होता है, हर जगह उछल कूद करता है.
आर अप द माउंटेन स्प्रिंग, लूसी विल प्ले ऑन द माउंटेन, लूसी विल जंप ऑन द माउंटेन, लूसी विल इंजॉय द ब्यूटी ऑफ माउंटेन, वो पहाड़ों पर उछल कूद करेगी, खेलेगी। एंड हर सेल बी द बेथिंग बाम फॉर हर, एंड हर द साइलेंट एंड काम, हर सेल बी द ब्रीथिंग बाम मीन्स लूसी विल इंजॉय द पीस ऑफ नेचर, द बाम ऑफ नेचर, द शांति ऑफ नेचर। लूसी प्रकृति की शांति को महसूस करेगी, वो उसके लिए बाम का काम करेगी, साइलेंस में वो खुश रहेगी, नेचर की प्रकृति की शांति में वो खुश रहेगी। ऑफ म्यूट इन सैड थिंग्स सी विल इंजॉय द म्यूट एंड नॉट स्पोकन थिंग ऑफ द नेचर, द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट शैल लैंड टू हर फॉर हर द बिलो वेंड। द पोएट सेज हियर दैट फ्लोटिंग क्लाउड्स मीन्स फ्लाइंग क्लाउड्स विल टीच हर एंड फॉर लूसी दोज क्लाउड्स विल बेंड एंड द ट्री ऑफ बिलो ट्री विल बेंड फॉर हर, सो फ्रॉम बिलो ट्री सी विल लर्न टू बेंड मोडेस्टी। बिलो ट्री से लूसी जो है मोडेस्टी को ग्रहण करेगी और विनम्रता को ग्रहण करेगी, जो बिलो का पेड़ है वो उसके लिए झुक जाएगा, उसकी ब्रांच से वो झुकना सीखेगी। फ्लोटिंग क्लाउड्स ऑफ द स्काई विल टीच हर टू वॉक इन अ ग्रेसफुल मैनर। फ्लोटिंग क्लाउड्स डियर स्टेट सेल लैंड लाइन देखें, उसको ग्रेसफुल मैनर से चलना सिखाएंगे। एज क्लाउड्स फ्लाई इन द स्काई विद ग्रेसफुल मैनर, ग्रेसफुल मैनर सेम विल टीच टू द लूसी। एंड द बेंडिंग ब्रांचेज ऑफ बिलो ट्री विल टीच हर मोडेस्टी। लाइन यहाँ देखें, टू हर द बिलो बेंड, उसके लिए बिलो का पेड़ झुक जाएगा और उसको क्या टीच करेगा, मोडेस्टी टीच करेगा। नार सेल सी फेल टू सी इवन द इन द माउंटेन्स ऑफ द स्टार्म सी विल आल्सो सी द स्टार्म, तूफान को वो देखेगी, उसमें भी असफल नहीं होगी। और जो स्टार्म है उसको क्या सिखाएगा, द मोशन ऑफ द स्टार्म विल टीच हर ग्रेस, उसको ग्रेस सिखाएगा, शक्ति सिखाएगा, महानता सिखाएगा। ग्रेस स्टार्म ग्रेस लाइन आई है, दैट सेल मोल्ड द मेल्डन्स फॉर्म एंड दस नेचर विल पे एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ मेकिंग इन द करेक्टर ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ लूसी। मेडन्स फॉर्म मीन्स लूसी विल बी डेवलप्ड बाय द नेचर इन द केयर ऑफ नेचर, सी विल बी लाइक अ यंग लेडी। बाई साइलेंट सेम्पथी द स्टार्स ऑफ मिड नाइट सेल बी डियर टू हर एंड सी सेल लीन हर ईयर। द पोएट सेज हियर दैट स्टार्स लुक्स वेरी ब्राइट इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। नाइट में, रात्रि में सितारे जो है बड़े ब्राइट दिखाई देते हैं। लूसी विल लव द ब्यूटीफुल स्टार एंड विल ऑब्जर्व दियर ब्राइटनेस। लूसी ब्यूटीफुल स्टार को देखेगी, मिडनाइट के स्टार को देखेगी और उनको ऑब्जर्व करेगी, उनको ध्यान से देखेगी, वो उसके लिए डियर होंगे, अच्छे होंगे। फिर पोएट कहता है, टू हर एंड सी सैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सेक्रेट प्लेस मीन्स व्हेन स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो दे मेक सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड, लूसी विल लिसन दिस स्वीट म्यूजिक, द ब्यूटी ऑफ मर्मरिंग साउंड ऑफ द स्ट्रीम्स विल गिव ब्यूटी टू हर फेस। यहाँ पे लाइन देखें, यहाँ से, एंड सी सेल बी लीन हर ईयर इन मैनी अ सेक्रेट प्लेस, सी विल लिसन ब्यूटी ऑफ मैनी सेक्रेट प्लेस, म्यूजिक ऑफ मैनी सेक्रेट प्लेस, हुएर रिवेलवेट्स जॉन्ट दियर वे आर राउंड द ब्यूटी ऑफ बार्न ऑफ मर्मरिंग साउंड।
जो मरमरिंग साउंड होता है हनी बी जब भिनभिनाती हैं मधुमक्खियाँ, उस साउंड को भी वो सुनेगी। सैल पास इंटू हर फेस एंड बिटाल फीलिंग ऑफ डिलाइट, उसके फेस पर इन चीज़ों को देख करके खुशी की लहर दौड़ जाएगी और वो उनका आनंद लेगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सैल रियर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट। वाइटल फीलिंग को आप कह सकते हैं वाइटल जीवन देने वाली फीलिंग, लाइफ गिविंग फीलिंग उसको आएगी जब वो मर्मरिंग साउंड सुनेगी। और क्या होगा, सेल रियर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट, वो उसको उच्चता प्रदान करेगी, नेचर को जो है लूसी को हैप्पी जीवन प्रदान करेगी, उच्चता प्रदान करेगी। फिर देखते हैं यहाँ पर लूसी का करेक्टर और पर्सनालिटी जो है अब बिल्ड हो गया है, तैयार हो गया है। हर वर्जिन ब्यूजम स्वेल, सच थाट टू लूसी आई विल गिव व्हाइल सी एंड आई टुगेदर लिव। पोएट कहता है कि मैं उसको ये सारे विचार, जितने विचार उसने ऊपर बताए वो सारे विचार मैं उसको दूंगा, और मैं मीन्स नेचर कहती है मैं और लूसी दोनों साथ साथ रहेंगे। सच थाट टू लूसी आई विल गिव, आई विल टीच लूसी सच टाइप ऑफ थाट दैट आई इमेजिन, एंड इन द वैली इन द फॉरेस्ट आई एंड लूसी टूगेदर लिव हीयर इन दिस हैप्पी डेल। कहाँ पे हम लोग रहेंगे, इस सुंदर सुखद डेल में, इसमें हम दोनों रहेंगे, मीन्स घाटी में हम दोनों रहेंगे। दस नेचर स्पेक, इस प्रकार नेचर ने कहा। द वर्क वॉज डन, मीन्स लूसी तैयार हो गई, बड़ी हो गई, सयानी हो गई। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, पर वो सयानी तो हुई लेकिन उसका रेस भी ख़त्म हो गया, मीन्स लूसी ख़त्म हो गई, लूसी डाइड सून। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, मेरे लूसी का जीवन कितने जल्दी ख़त्म हो गया। शी डाइड एंड लेफ्ट मी एलोन, पोएट इज वेरी सैड बिकॉज ही वॉज राइटिंग अ इमेजिनेटिव पोएम एंड इमेजिनरी पोएम। When Lucy died, he became very sad because Lucy left him alone. This hath, this calm and quiet scene, the memory of what has been. The poet says here, her death pained the poet deeply. He was left with no company. She left for the poet a wasteland full of calm and quiet. Now only her sweet memory was there. He will never see Lucy again. Line यहाँ पे, and never more will be because Lucy will never come again. She died soon. Thanks all the student to read this poem. You are requested to subscribe this channel, share this channel, like this channel. Thanks. I will present again poem for you.